देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो लोग नया कुछ शुरू करना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। मदद होती भी है, और इसमें सबसे बड़ी मदद अगर देखी जाए तो बिमटेक ग्रेटर नोएडा, इसकी जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और अभी भी अपने तरीके से, अपनी तरह से ये जो इंस्टीट्यूट है लगा हुआ है ताकि लोगों को मौका मिले, खासतौर पर जो एक नया वर्ग है, नौजवान पीढ़ी है जो अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहती है, उनसे खासतौर पर मुखातिब हैं। और इसी बीमटेक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर एच चतुर्वेदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पूछते हैं उनसे कि उनकी क्या राय है और यहाँ पर कितने परसेप्शंस हैं, कितना स्कोप है न्यू कमर्स के लिए। धन्यवाद। क्या सोचते हैं आप? मैं, मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान की जो बहुत अहम समस्या आज की तारीख में है वो है कि जितने नौजवान यूनिवर्सिटी कॉलेजों से पढ़कर निकलते हैं, करीब 1 करोड़ लोग हर साल पढ़कर निकलते हैं जिनको एक डिसेंट जॉब की ज़रूरत होती है, और वो सभी लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। डिसेंट जॉब के ख्याल से उनके दिमाग में एक ही इमेजिनेशन है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये संभव नहीं है केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाए। और भारतीय उद्योगों में भी जो नई तकनीकी आ रही है, ख़ास तौर से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, तो जो रोज़गार के स्रोत हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अहम सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या किया जाए अर्थव्यवस्था में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अभी जो ग्रोथ रेट चल रहा है GNP का, वो 7% से बढ़ाकर 10% होना चाहिए, डबल डिजिट होना चाहिए, तभी जो 1 करोड़ लोग हर साल यूनिवर्सिटी कॉलेजों से निकलेंगे उनको रोज़गार मिल पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमें आर्थिक विकास की दर को, जो वर्तमान में 7% है, उसको बढ़ाकर 10% करना पड़ेगा। दूसरा, सभी लोगों को नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, उसका एक वैकल्पिक तरीका ये है कि वो उद्यमी बने और नौकरी ढूंढने की बजाय और लोगों को नौकरियां प्रदान करें, और ये संभव हो पाएगा यदि हम स्टार्टअप मूवमेंट को देश में मजबूत करें। स्टार्टअप का मतलब जो नए उपक्रम हैं जो युवा लोगों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी कुछ वर्षों पहले अनाउंस की थी, और उसके तहत नीति आयोग ने बिमटेक ग्रेटर नोएडा को एक सुविधा प्रदान की है जिसका नाम है अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें जो नए युवा उद्यमी हैं उनको अपने स्टार्टअप इस्टेब्लिश करने के लिए सहायता दी जाती है, मदद दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, सीट कैपिटल की भी व्यवस्था करते हैं, और उनको टेक ऑफ स्टेज तक ले जाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। हमको ये मौका मिला वर्ष 2017 में, जबकि 3600 एप्लीकेशंस नीति आयोग के अटल इंक्यूबेशन मिशन पर पहुंची, उनमें से 13 विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अटल इंक्यूबेशन सेंटर की ग्रांट मिली, जिसमें 3 प्रबंध संस्थान थे, और उन 3 प्रबंध संस्थानों में ISB हैदराबाद और नरसिम्हन जी मुंबई के साथ बिमटेक एक प्रबंध संस्थान था। हमें उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमियों को मदद करने का काम मिला, और हमने 20 जनवरी 2018 को ये काम शुरू किया। लगभग 1 साल पूरा हो चुका है, और हमें जो टारगेट दिए गए थे कि पहले साल में हमको 25 युवा उद्यमियों को तैयार करना है और उनको इनक्यूबेट करना है और उनको सीट कैपिटल का इंतजाम करने में मदद करनी है, हमें खुशी है कि अभी तक हम 29 युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को यहाँ रजिस्टर कर चुके हैं। हमारे पास में 16,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया में सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, को वर्किंग की, को लिविंग की, और फैकल्टी हमारे पास करीब 25 जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो इंडस्ट्री से आए हैं, CEO रहे हैं या बोर्ड लेवल पर काम किया है, उनकी गाइडेंस भी उनको हर समय प्राप्त होती है। तो हमारे जो CEO हैं प्रोफेसर आभा ऋषि और वाइस प्रेसिडेंट श्री चित्रांश वर्मा, ये लोग 24 घंटे उनको मदद के लिए तैयार रहते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि बिमटेक को देश की ओर से ये सुविधा मिली, और हम उत्तर प्रदेश के युवा उद्यमियों को निश्चित रूप से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने की अपनी मुहिम में कामयाब होंगे। इसमें 2-3 साल और लगेंगे, लेकिन ये काम जारी है। न्यूकमर्स को लेकर जो नए बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, युवाओं की जो अपनी सोच है,
आने वाले समय में आप कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं? मैंने जो अध्ययन किया है और ज़्यादातर जो स्टार्टअप हैं वो फिनटेक में हैं, एडुटेक में हैं, हेल्थ केयर में हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन में हैं, और इसके अलावा सभी और छोटे मोटे जो सेक्टर और इंडस्ट्री में भी स्टार्टअप हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो आईटी स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, फिनटेक, इनमें ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिछले एक साल में 2018 में हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टार्टअप में, और वो ग्रोथ करीब 150% रही है। तो आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, डीप लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी हैं, इनमें स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। अभी वर्कशॉप भी हुई थी इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पर किस तरह का आपको रिएक्शंस मिले हैं स्टार्टअप को लेकर? हमने पिछले 5 वर्षों में लगातार प्रयास करके अपने जो संस्थान के विद्यार्थी हर साल फाइनल प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठते हैं, 5 साल पहले हमने ये महसूस किया कि वो स्टार्टअप में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था स्टार्टअप में एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता का एक माहौल होता है, और वो क्योंकि 10 में से 1 स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, बाकी 9 अनसक्सेसफुल होते हैं। तो और कुछ ऐसी इवेंट्स और ऐसी घटनाएं भी हुई कि स्टार्टअप्स ने लोगों को पहले रिक्रूट किया और उसके बाद में उनको ज्वाइन नहीं कराया या उनको निकाल दिया। तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस था विद्यार्थियों की ओर से और वो स्टार्टअप में नहीं जाना चाहते थे। अल्टीमेटली जब ये स्टार्टअप मूवमेंट कंसोलिडेट होने लगा है और बहुत सारे स्टार्टअप सफलता की जो है राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने अपने विद्यार्थियों को ये समझाने की कोशिश की कि एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी की तुलना में एक स्टार्टअप में जाने में आपको रिलेटिव एडवांटेज क्या है। रिलेटिव एडवांटेज ये है कि स्टार्टअप में चैलेंज होता है और आप ज़्यादा सीख सकते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, सैलरी पहले कम स्टार्टअप देते थे लेकिन अब स्टार्टअप भी अच्छी सैलरी देने लगे हैं, लेकिन हम सैलरी से ज़्यादा इस बात पर जोर देते हैं कि आपको पहले 5 वर्ष के अपने कैरियर में स्टार्टअप में काम करने में रिलेटिव एडवांटेज ज़्यादा है, आपकी लर्निंग ज़्यादा है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों में आपको एक बहुत टाइनी काम, बहुत ही छोटा कंपनी के टोटल साइज़ की देखते हुए बहुत छोटे हिस्से का काम आपको दिया जाता है जिसमें आपकी लर्निंग बहुत कम होगी, और आप फिर आगे जब दूसरी कंपनियों में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी जब आप नए सिरे से काम शुरू करेंगे। आप स्टार्टअप में पहले 5 साल अगर काम करते हैं तो स्टार्टअप के हर ऑपरेशन में आप एक्टिव हो जाते हैं, आप इनोवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आप मार्केटिंग देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, आप HR एस्पेक्ट देखते हैं, आपको हर चीज़ करनी पड़ती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, और जो एक चैलेंज होता है जिस चैलेंज को लेकर जब आप काम करते हैं तो आपकी लर्निंग बेहतर होती है। यहाँ पे अभी जब हम ऊपर सेंटर में पूरा राउंड कर रहे थे तो एक 17 साल का बच्चा भी था और उनकी अपनी क्रिएशंस थी जो कि सच में काबिले तारीफ थी। तो ऐसे में एक पूरी पढ़ाई होती है, इंस्टीट्यूट है आपका और वहाँ पे बच्चे पढ़ के जाते भी हैं, तो वो एक स्टेज है जहाँ पे आपको पूरा कोर्स करना होता है, और यहाँ पे 17 साल का बच्चा जो एक नई इनॉग्रेशन दिखा रहा है, क्या कंपैरिजन आपको इसमें महसूस होता है? देखिए, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच में एक विवाद काफ़ी लंबे समय से रहा है कि लोग पिछले 200 सालों से जो फॉर्मल एजुकेशन है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वहाँ लोग जाते रहे हैं और अपने भविष्य की जो नींव का निर्माण करते रहे हैं, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और अब चूंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, तो आपको पढ़ने के लिए अंततोगत्वा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर टीचर्स के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब जो लर्निंग है वो 24/7 एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। तो आप किसी टीचर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं, ठीक है वहाँ पढ़ने के साधन अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अगर आपको वो साधन नहीं मिल पा रहे हैं किसी भी कारण से और मान लीजिए आपके पास में मजबूरी है कि आप फॉर्मल एजुकेशन में एनरोल नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट का प्रयोग करके आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि आजकल MOOCs कोर्सेज भी बहुत लोकप्रिय हैं, तो लर्निंग के लिए बहुत सारे
सोर्सेज हैं, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं हैं। तो अगर 17 साल का विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगा हुआ है और अपनी कंपनी डाल रहा है तो लोग उसकी सराहना करेंगे, मैं भी सराहना करूंगा, घर वाले जरूर कहेंगे भाई कोई डिग्री भी ले लो। तो ये हमारे भारत के मध्य वर्ग की एक विडंबना है कि हम लोग डिग्री के पीछे भागते हैं, जो 200 साल से हमारे दिमाग में ठूंस दी गई है कि बिना डिग्री के कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ करोड़ों लोगों पर डिग्रियाँ हैं लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप को और स्टैब्लिश करने के लिए, ज़रूरतमंद जो सही मायनों में टैलेंटेड है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, आप उसकी भूमिका को किस तरह से आंकते हैं? अभी जो रिपोर्ट आई है स्टार्टअप मूवमेंट के बारे में तो उसमें मालूम पड़ा है कि जो वेल स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप्स हैं जो टेक ऑफ स्टेज पे पहुंच गए, जिनका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, उनकी फंडिंग 2 बिलियन अरब डॉलर 2017 में थी लेकिन वो अब बढ़ के हो गई 4 बिलियन US डॉलर, तो करीब 100% दोगुना हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो वेल स्टैब्लिश्ड जो स्टार्टअप हैं सक्सेसफुल हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है सीड फंडिंग की इनिशियल स्टेज पर, जबकि स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहा है और उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज तैयार नहीं है, उसकी मार्केट डेवलप नहीं हो पाई है और उसको अपने पूरे आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, बिजनेस प्लान बनाने के लिए, अपना स्टाफ रिक्रूट करने के लिए सीड फंड की ज़रूरत होती है। तो वो सीड फंड में कमी आई है, वो डिक्लाइन हुआ है पिछले एक साल में, जो सीड फंड है वो मिलना कम हुए हैं और ये 10-15% की गिरावट है जो कि चिंताजनक है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो चमक गए सितारे उनके लिए तो हर आदमी गले लगाने को तैयार है, लेकिन जो अभी धूल में गर्दिश में पड़े हुए हैं डायमंड जो कल चमकेंगे उनको मदद देने की ज़रूरत है, सीड फंड देने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सीट फंड के अलावा अगर देखा जाए तो और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके ज़रिए उन तक पहुंचा जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है? मैं समझता हूं कि बैंकों को भी सरकार ऐसी स्कीम लाने के लिए बोल सकती है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं, कि वो उनको लो कॉस्ट पर फंडिंग प्रदान करें, सीट फंडिंग प्रदान करें और वो मैं तो कहूँगा अगर 1-2% ब्याज पर भी सीट फंडिंग मिले तो बहुत से लोग लेना चाहेंगे। अभी तो 10-12% का रेट होता है कोई भी लोन लेने के लिए, तो अगर वो नो इंटरेस्ट या लो इंटरेस्ट सीट फंडिंग बैंकों से मिले तो अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ अपनी जो CSR फंड्स हैं, करीब 8-10 हज़ार करोड़ रुपए हर साल CSR के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स देते हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी देती हैं, तो उससे भी इन युवा उद्यमियों की मदद की जा सकती है। और सीट फंड के लिए बहुत लाखों करोड़ की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कि 10 हज़ार करोड़ रुपये साल भी अगर सरकार इन स्रोतों से जुटा दे तो हज़ारों युवा उद्यमियों के सपने साकार हो सकते हैं, वो टेक ऑफ स्टेज तक पहुँच सकते हैं और उनको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक होता है टारगेट, एक होता है सपना और एक होती है ज़मीनी हकीकत। कहाँ पर पाते हैं आप स्टार्टअप इंडिया को ज़मीनी हकीकत के तौर पे? ज़मीनी हकीकत में तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये रास्ता अभी आसान नहीं है क्योंकि बहुत फेवरेबल नहीं है इंडिया का जो टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसमें हम हर युवा उद्यमी पर, नए आदमी पर विश्वास नहीं करते हैं और इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ज़मीनी हकीकत तो ये है कि इस खेल में वही जम पाएंगे जिनमें जीवट है, हिम्मत है और जो रिस्क ले सकते हैं, असफलता को झेल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ज़्यादा लोग इस रास्ते पर नहीं आगे बढ़ेंगे। अगर हमको स्टार्टअप मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो हमें हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, सरकार को, बैंकों को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, समाज को, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को, सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। बिमटेक हम हर वक्त अपने उन युवा उद्यमियों के लिए तैयार रहते हैं, उनकी मदद के लिए, उनको हर परेशानी के समय रास्ता बताने के लिए, सीट फंड जुटाने के लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही हर कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियों को काम करना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर हमने उनको पहले 2-3 सालों में मदद कर दी तो आगे का रास्ता ये अपने आप ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले 2-3 सालों में उनको अगर
परिवार ने, क्योंकि परिवार मध्यवर्गीय परिवार से ज़्यादातर युवा आते हैं और मध्यवर्गीय परिवार के पास में इतने सेविंग्स नहीं है, अगर है भी हैं तो वो उनको नहीं देना चाहेंगे क्योंकि उन्हें अपने रिटायर्ड लोगों को अपने आगे के भविष्य का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर बन भी रहे हैं तो उनकी इच्छा, ज़्यादातर लोग चाहते नहीं हैं उद्यमी बने, ज़्यादातर मध्यवर्ग के लोग चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी लें या प्राइवेट सेक्टर में प्लम जॉब लें, लेकिन अगर बन रहे हैं तो वो अपना पैसा उसमें परिवार के लोग नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसमें बहुत रिस्क है, 10 में से 9 लोग असफल होते हैं और वो पैसा डूब जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। पहले 2-3 सालों में सीट फंडिंग की बहुत नीड है और वो कम हो रहे हैं रिसोर्सेज सीट फंडिंग के, जो प्राइवेट एंजल इन्वेस्टर्स हैं सीट फंडिंग में लोग कम आ रहे हैं, इसलिए सरकार को और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और प्राइवेट बैंक्स को इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर्स उसमें आगे आएँ, बैंकिंग की जो भी सुविधा होती है वो भी हो, और इस स्टार्टअप मोमेंट को अगर और तेज़ करना है तो ज़रूरी है कि हर कोई हाथ में हाथ डालकर इसको आगे बढ़ाए। तो ये थे डायरेक्टर डॉक्टर एच चतुर्वेदी बीमटेक के, और इनकी सोच है कि इस मोमेंट को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, बाकी खबर के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।